Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. क्या हुआ शांति? लड़की हुई है। हाँ? अरे सुनो सुनो, रानी साहिबा को बेटी हुई है। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। आप जरा अंदर आएंगे? मैं? हाँ। क्या हुआ? आइए ना, मैं बताती हूँ। अरे बाबा यहीं पर बोलो ना। आइए तो। क्या हुआ? ये देखो जुड़वा बच्चे। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये भगवान, ये आपने क्या किया? ये तो भगवान की लीला है, वो जो करता है वो अच्छा होता मतलब? है। यानी जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा हम ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भगवान के सामने ये पाप नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं करूँगा। अन्याय? कौन सा अन्याय? अन्याय तो मेरे साथ हुआ है, तो उसी भगवान ने मेरी गोद क्यों सुनी रखी बताओ? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मेरा माँ होने का मन नहीं है। भगवान ने शायद ये बच्चा हमारे लिए ही भेजा है, हमारे लिए। हम इसे ले लेते हैं, हम इसे संभालेंगे। शांति, इसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, मेरे माथे पे लगा कलंक मिट जाएगा। सोच क्या रहे हो, एक बच्चा लेके घर चले जाओ। लेकिन शांति, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। शांति, चिंतामणि, रघु, अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या हुआ रघु? क्या हुआ बोलना। सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया मतलब क्या हुआ? अरे रघुआ क्या हुआ बोल। चिंतामणि क्या हुआ? चिंतामणि, रानी माँ बेटी को पैदा करके चल बसी। ना 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 गंगा बेटी, अच्छे बच्चे रोते नहीं, शांत हो जाओ बेटा। जी राजा साहब। हाँ क्या हुआ? मैं ये कह रहा था, रानी माँ तो भगवान के पास चली गई, लेकिन गंगा का क्या कसूर? राजा साहब आपने तो आपका सारा कारोबार बंद करके तो गंगा के देखभाल में लगे हैं आप, लेकिन गंगा की पालन पोषण के लिए माँ की जरूरत है। माँ? नहीं नहीं चिंतामणि, गंगा के लिए मैं सौतेली माँ नहीं ला सकता हूँ। सौतेला क्यों सर? जो गंगा को माँ का प्यार देगी, जो इस घर को संभालेगी, ऐसा कोई अगर बसंती में सारे गुण है। बसंती? हाँ सर, मेरी साली मालकिन न सही इस घर का नौकर बन के रहेगी। सर इन बिन माँ के बच्चों के बारे में सोचिए। राजा साहब, मैनेजर साहब ठीक कर रहे हैं, आप राजी हो जाएं। हम लोग सारी व्यवस्था कर देंगे सर, आप सिर्फ राजी हो जाइए, देखिएगा कोई तकलीफ नहीं होगी। भगवान ने मेरी किस्मत में इतने सुख दिए हैं कि मैं दिन रात एक करके इस बिन माँ की बच्ची को और आपको सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगी। बसंती आइए आइए डॉक्टर साहब। ना 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 बच्चा, नहीं रोते,
ना ना, देखिए ना डॉक्टर साहब, ना ना बेटा ना। बच्चे को तो बहुत बुखार है, उसको तो इंजेक्शन की जरूरत है। ना बेटा ना, रोत ना मेरा बच्चा, सोना माँ है ना, नहीं रोते बच्चा, ना नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना 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 ना, रोती नहीं मेरी सोनी बिटिया, रोएगी नहीं, ना ना। ओ बसंती, बसंती, ओफो बसंती कहाँ गई? ना 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 ना, बसंती, ओए बसंती, बसंती सुन, लड़की का ख्याल रखना, ये ले 500 रुपया, मुझे जैसे वक्त मिलेगा आ जाऊंगी। हाँ आप यहाँ? वाह, यही तुम्हारे पाप की संतान है, शादी से पहले किसी और के बच्चे को पैदा करके मेरा घर बर्बाद करने आई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, इसका कोई दोष नहीं है। चुप कर नमक हराम बेईमान, तुम दोनों का असली परिचय अब मैं जान गया हूँ। तूने ही मुझे बेवकूफ बना के अपनी साली से मेरी शादी करवा के एक बड़ी साजिश रची है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं करेगा? तुम दोनों मिलके ये साजिश रचाते रहोगे और मैं देखता रहूंगा, मेरा घर बार बंगलो गाड़ी ये सब हत्याते रहोगे तुम। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हर्षण करता हूँ, तुम दोनों को मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को माफ कर दीजिए। नहीं सर, क्या हुआ आपको? सर सुनिए, सर क्या हुआ? सर पैरालिसिस। क्या आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ राजा साहब को पैरालिसिस हुआ है। इसका मतलब डॉक्टर साहब शिव साहब कभी ठीक नहीं होंगे। लीजिए ये कुछ दवाई लिखकर दे रहा हूँ, टाइम टू टाइम इसे देते रहिए, किस्मत में हो तो कुछ मिरेकल हो भी सकता है। मैं चलता हूँ रंजीत जी। हाँ भगवान की जैसी मर्जी, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर शिव भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ये कब तक ठीक हो जाएगा वकील साहब? भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। मैं चलता हूँ मैम। नमस्ते शिव जी। चिंतामणि इधर आओ। देख लिया ना कैसी चाल पलटा दी मैंने, यहाँ पर अब तुम बिना हिले डुले चुपचाप पड़े रहोगे। आज के बाद तुम मेरी दया और भीख के ऊपर पड़े रहोगे। आज के बाद मैं तुम्हें तील तील कर मैं मारूंगी। आज के बाद तुम्हारी कानून समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारी मैं हूँ, मैं हूँ। नहीं बसंती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? ये बीमार होने के साथ साथ हम सबको अपाहिज बना दिया है, इसने ऐसा विल बनाया, इसकी बेटी गंगा या ये इनमें से कोई मर जाता है तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होगा बसंती, ऐसे ही होगा। वकील साहब ने हमें सब समझाया है, ये बाप और बेटी को बचा के रखना है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जब इसकी बेटी का 20 साल पूरा हो जाएगा कानूनन, तब वो सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। तब हम लोग एक षड्यंत्र रच के ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेंगे। लेकिन गंगा ने उस वक्त हमारे नाम से संपत्ति लिखने से मना कर दिया तो? बसंती गंगा अभी कच्ची मिट्टी है, हम उसे जैसा पालेंगे वो वैसा ही बनेगी। मैं उसे इतना डरा के पालूंगा जैसे शेर के पिंजरे में बकरी मेरे बोलने पे उठेगी और बैठेगी, हमारे रास्ते पर चलेगी और हमारी आंखों से दुनिया देखेगी, बिल्कुल चाबी वाले डॉल जैसा। सर
सीमा दीदी देखो आपके जूते एकदम चकाचक हो गए हैं। चकाचक या घंटा? जा यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? देखो ना, किसी ने मुझे लात मारी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ, किसी ने मुझे लात मारी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? बापू, मैं क्या माँ की तरह चिल्लाऊंगी? मैं तो बड़ी हो गई हूँ। भगवान तुझे बहुत हिम्मत दे बेटा, तू तो कौओं के घर में कोयल है। शांति। हाँ? अच्छा बेटा, तूने पूजा की क्या? जा रही हूँ, अभी माला बनाऊंगी। कितनी सुंदर आवाज, गंगा के संगीत में माँ सरस्वती विराजमान है। क्या बोलते हो चिंतामणि? रामू, बेचारी बहुत दुख दर्द से जी रही है। इस बार रंजीत साहब और बसंती सारा दिन उसके ऊपर जुम्न करने वाले हैं और ये चिंतामणि सारे जुम्न को बर्दाश्त करेगी। तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं, मन तो करता है कि दोनों को आग में जला के मार दूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इस घर का छोटा सा एक नौकर हूँ। सिर्फ सांप का नमक खाया इसलिए यहाँ रह गया। सांप की सेवा करता हूँ और हमारी गंगा बेटिया को इस शैतान के हाथ से रक्षा करता हूँ। रोना मत पिताजी, मैं हूँ ना। भगवान से मैं आपके लिए दिन रात प्रार्थना करती हूँ। देखना, एक दिन आप जरूर ठीक हो जाओगे। लीजिए आपकी दवाइयाँ। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। हराम खोर कहीं की, मैंने तुझे मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए, क्यों आई? बोल क्यों आई तू, बोल क्यों आई? जा घर साफ कर और सुन, फिर तू कभी इस कमरे में आई तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना दूंगा। जा। रो रहे? रो और जो जो से रो। अब तुम्हारी जिंदगी में रोने के अलावा और क्या बाकी है? मेरे खुशी के दिन तो जल्दी आ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी गंगा मेरी दुश्मन बन जाएगी? नहीं, मैंने उसको इतना डरा के रखा है कि मेरा फोटो देख के ही वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। बहुत जल्दी तुम्हारी गंगा 20 साल की हो जाएगी, बस उसके बाद ही उससे मैं लिखवा लूंगा तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी। गुड बाय शिव साहब, गुड बाय। गंगा, गंगा कहाँ भर गई जन्म चली? गंगा, अरे भैरी हो गई क्या? सुनाई नहीं देता? क्या हुआ माँ? माँ, माँ नहीं कुछ और, क्यूरी कलमोही, मेरा गरम पानी कहाँ है? तू लाएगी या तेरी मरी हुई मां स्मशान से लेके आएगी? नहीं माँ,
मैं अभी लाके देती हूँ। आहा, आज तो बड़ों के सामने बोलने भी लगी, और काम करने के टाइम हाथ पर को क्या सांप काटता है। जा जल्दी लेके आ पानी। अरे जाती क्यों नहीं, जा। गंगा, हाँ? तू एक नंबर की इडियट है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, तुझे मजाक लग रहा है? मैं अभी कर देती हूँ। स्टूपिड लड़की, बेवकूफ कहीं की। साबुन लाई हो? अभी लाके देती हूँ माँ। अभी लेके आती हूँ। हे भगवान, इस तरह की बेवकूफ लड़की मेरे नसीब में कहाँ से आ गई? एक बात को 100 बार कहे बिना कुछ काम ही नहीं करती। अरे ओ कल मोहिनी, हाँ? ये जूते जाके पॉलिश करके लेके आ। हाँ। गंगा, हाँ? ले ये जैकेट प्रेस करके ला। हाँ? सुन, हाँ? ये जैकेट एकदम न्यू है, ध्यान हाँ? से प्रेस हाँ? करना। विक्की साहब, विक्की साहब, विक्की साहब। अबे चलना, पूरी सुबह बर्बाद कर दी। ए! तुझे बोला था ना ये मरी मरी शक्ल मुझे सुबह सुबह मत दिखाना। हाँ, तू जानता है ना, सुंदर मुखड़ा देखकर ही मेरी नींद टूटती है। बेटी ना, वो तो माँ और सीमा मैम साहब की काम करते। अबे हट बे, सीमा मैम साहब, सीमा मैम साहब, ये लीजिए। ओए, सीमा मैम साहब बड़ी है कि मैं बड़ा हूँ? आप ही बड़े हो जी। और सुन, कल से तेरा बदसूरत चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, समझाना। चल फोट। दे बेटा, मैं कर हाँ? देता हूँ। अरे नहीं चाचा, मैं कर लूँगी। अरे बेटा, उधर जाके कितना काम करना है तुझे। सोना बेटा, कितना मेहनत करेगी। नहीं चाचा, माँ ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी वो। हाँ, पॉलिश करने को लेट हो गया तो दे दे मुझे। अरे गंगा, कहाँ मर गई? साबुन ला रही हो या नीचे आऊँ? अरे बाप रे, मैं तो भूल गई थी, अभी लाई। माँ, साबुन, साबुन। रख, रख मेरे सर के ऊपर। साबुन लाने की कंपनी गई थी। हाँ, कल मुझे हाँ, परेशान करके रख दिया है। हाँ, हाँ। कर दिया ना, बर्बाद कर दिया ना। देख गंगा, मुझे ये मामा वर्ड से नफरत है। हाँ वैसे बसंती के हिसाब से मैं तेरा मामा हूँ। वैसे मुझे विक्रम बोलेगी तो चलेगा। हाँ अच्छा? विक्रम, विकी, एनीथिंग? कुछ कहना है? बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन सारी बातें बोलनी पड़ेंगी। हाँ? हाँ? अंदर आ। अरे आना। डर मत, आना। वो क्या है ना, मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, जरा सिलाई कर देना। आप रख दीजिए, मैं बाद में सिलाई मार। अरे नहीं नहीं, मुझे बाहर जाना है। जरा जल्दी कर, जरा जल्दी सिलाई कर दे। ले लेना। अरे लेना।
सच कह रहा हूँ गंगा, तू सोच भी नहीं सकती है कि मैं तेरे बारे में कितना सोचता हूँ। मतलब तेरी जो हालत है और जो टॉर्चर है उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। एक बार मुझ पे यकीन तो करके देख, इस घर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुझे इस्तेमाल करने की। लेकिन तू तो मुझे हर वक्त विलन समझती रहती है मेरी जान। छोड़िए मुझे। मम्मी, मम्मी, देखो मेरा जैकेट जला दिया। क्या हुआ सीमा दीदी? क्या हुआ? देख, देख तूने क्या किया? मुझसे भूल हो गई सीमा दीदी। क्या बोल रही है? भूल हो गई है? मेरा नया जैकेट जला के बोल रही भूल हो गई है? आ जाने दे मम्मी। नहीं, नहीं, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी देखो, मेरी नया जैकेट जला के बोल रही भूल हो गई है। ओहो, कलमोही लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? मेरी लड़की की जैकेट जला दी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। क्यों रे कलमोही, मैंने जानबूझ के मेरे सामने जवाब देते हो? मैं तेरा गला घोट के मार दूंगी। अरे 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 रानी साहिबा, रानी साहिबा, ये क्या कर रहे हैं? अरे 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 छोड़ दो छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चिंतामणि, अरे यारे, क्या चाहिए, क्या चाहिए? भाषण देता है, भाषण, भाषण। हट जा बसंती, हट, हट। जवाब दे रही थी, जवाब, हट। दे जवाब, हाँ, दे जवाब, दे जवाब। मुंह पे बात करती है, जवाब देती है, हाँ, हाँ, दे, दे, दे। हट, नहीं नहीं, हट, 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 हट। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मारू, नहीं मारू। बड़ी बड़ी बात करने की हिम्मत आ गई तुझमें? जवाब देती है, मुझे बचा लीजिए। जा यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ। बसंती, इसको घर के अंदर बंद कर दे और 3-4 दिन तक खाना मत देना, तब जाकर इसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। ए, चल उठ। आज तेरे कोई फेफड़े निकाल के मुझे बंद करके रखती हूँ। मत ले जाइए, मत ले जाइए, मेरी बेटी है, हमारी बेटी है। छोड़ दो, छोड़ दो उसे, मत मारिए उसे, मत मारिए, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। चुप कर, एक भी बात बोला ना तो तेरी लाश बना के फेंक दूंगी। माँ, तुम मुझे इस तरह से क्यों छोड़ के चली गई माँ? क्या यही सब तकलीफ सहने के लिए मुझे छोड़ दिया माँ? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तेरी गंगा को इस नरक से बचा लेगा माँ। जानी, मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम है यमुना, मैं उस धरती की बेटी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। Hey!
अभी क्या कह रहा था? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं यमुना, मैंने कुछ नहीं बोला, बॉस ने बोला। बॉस? अरे ओ बॉस, निकाल मेरा पैसा। पूरे 3 घंटे का शो किया है, ईमानदारी से पैसा कमाया है, दे मेरा पैसा। ए भवानी, जो मैंने बोला बोला उसे। हाँ? हाँ? ए, उठ उठ, क्या बोल रहा था? बॉस ने कहा अगर पैसे की जरूरत है तो उनके घर पे जाके लेके आओ। आ? अच्छा, अरे मारेगी, भागो, ए पकड़ से, ए इधर आओ, ए इधर पकड़ो। जानी? नहीं नहीं, बड़े भैया नमस्ते। मैं कह रही थी कि तुम तो बड़े भैया हो, इस शहर के बड़े दादा हो। इस शहर का नहीं, पूरे देश का, देश का नहीं, पूरे दुनिया के बड़े दादा हो। मैं तो मजाक कर रही थी, पैसों का क्या, मैं तो बाद में ले लूंगी। अब मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। गुरु गुरु, मजा आ गया, यमुना आगे भाग रही है, बागा पीछे आ रहा है, बागा पीछे आ रहा है, यमुना आगे जा रही है, आगे पीछे भाग रहे हैं, और इसी भागा भागी में जो मारा मारी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है, और क्या सीन है, पिक्चर हिट है। जानी जानी उठ, इस सार से मैं नहीं लड़ सकती। उठ ना जानी, उठ, अरे देख वो आ रहा है। गुरु गुरु, जमुना को बचा लो, अरे जमुना मुसीबत में है, गुरु बागा से बचा लो जमुना को। अबे मेरी लक्ष्मी को दाग लगा रहे हो क्या? ए, जानते हो ना इस गाड़ी का मालिक कौन है? हाँ, इस शहर के राजू, और राजू भाई टैक्सी वाला। अच्छा। अबे राजू भाई, माल कहाँ है? मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, ये लो सारे पैसे। ये ले तेरा पैसा। मुझ पे एहसान कर रहा है क्या? ये पूरे पैसे मेरे हैं। और मेरी टैक्सी का जो नुकसान हुआ वो ठीक है, गाड़ी ठीक करके मेरे से ले लेना। मेरे साथ चला की मारूंगा ना एक घूंसा, इंडिया का मैप छप जाएगा मुंह पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल, टैक्सी खाली नहीं है। अरे भाड़ा दूंगी, पूरे पैसे दूंगी। मेरे भाड़े से मेरी टैक्सी चलती है क्या? क्यों इतना भाव खा रहे हो जानी, बहुत टैक्सी शहर में चलते हैं। जाना, जा जा उधर ही मीटर डाउन कर जा। अगर मैं उनका मीटर डाउन करूंगी तो इसका मीटर कौन डाउन करेगा? ले जाओ गुरु, ऐसा फटका माल आपको वापस नहीं मिलेगा। चुप है, नाटक बंद कर, चल बैठ। अरे जानी, टाटा टाटा बाय बाय। चुरा के दिल मेरा। जमुना, ड्रामा छोड़, पैसे निकाल। ओहो, भूल ही गई थी, रुक, ले 10 रुपए। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये गाड़ी का पानी से चलती कि तेरे बाप की है? ए जानी,
बाप का नाम नहीं लेने का क्या? जा जा, ये 10 रुपए अपने पास ही रख, तेरी शादी में काम आएगा। चल। Thank you. ए, सुन। क्या हुआ? सुन जमुना, तू तो बड़ी हो गई है, शादी क्यों नहीं कर लेती? कितने दिन ये नाच गाना करके मारा मारी करके काम चलाओगी? हा? चलेगा रे, साई साई करके चलेगा। जिस दिन मैं स्टार बन जाऊंगी तू खुद आएगा मेरे पास दस्तखत लेने के लिए, समझे क्या? अरे दस्तखत नहीं कहते, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। तू फिल्म स्टार बनेगी। ए, आईने में थोड़ा देखा है तूने अपना? चल फुट फुट, डाकू जैसी दिखती है और कहती है फिल्म स्टार बनेगी। अरे जाजा, खुद को तो जैसे अमीर ज्यादा समझता है। अरे जाजा टैक्सी चला जा, वरना भीगा टावल पहन के सो जा। विलेती की जगह देसी ठर्रा मिलेगा पीने को। जा। तू क्या मुझे पैसा देगी? सिर्फ पैसे नहीं रे, तुझे मैं अपने गाड़ी का ड्राइवर बना के रखूंगी। जियानी। जा 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 जा। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे। ना ना जी, उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, करना ही होगा। अरे वो देखो जी, वहाँ खड़ी है जी। रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यमुना। हाँ कौन? ओ निधि जी, आप आप कैसे हैं? कैसे हूँ, मेरे से उधारी ले लेके तो मेरा दिवाला निकाल दिया और पूछ रही है कैसन? ना ना निधि राम जी, ऐसे मत बोलिए, मेरे सर पे इतना बड़ा कलंक न लगाइए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर मजबूर कुछ नहीं है, तू मेरा गाय का दूध पी पी के इतनी बड़ी हो चुकी, उधर मेरा गाय को खाने को नहीं मिलता और इधर बोलती मजबूरन। उस गाय के लिए मेरी सद्भावना है, दुकान के लिए भी, मगर आज के दिन आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं जोर जोर से रो। क्या हुआ ये मना? क्या नहीं हुआ बताइए? मेरी माँ कहा हुई कवा? जो नरगिस को हुआ था, राजेश खन्ना को हुआ था उस हिंदी फिल्म में, सुपर हिट ना? नहीं, कैंसर। ड्रामा फिट। इस माया के संसार में कोई नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूंगी, एक न एक दिन चार कंधों में मुझे जाना ही पड़ेगा। ये रुपए पैसे सब बेकार है, एक तरफ चोर डाकू ले जाएंगे, दूसरी तरफ इनकम टैक्स का झंझट। तू सही कही बेटी, तू चिंता मत कर बेटी, पैसे जब आ जाएंगे मेरे को लौटा देना। माई का इलाज के लिए पैसा चाहिए ना? ये रख ले। थैंक यू। और जरूरत पड़ेगा मेरे से ले लो। मांगूंगी। सही वक्त पे तुमसे मांगूंगी। हम चलते हैं यमुना। हाँ, जरूर। यमुना मैं भी चलता। ओ भाई चल, बिटिया बहुत दुखी है। अच्छा परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मामा अरे 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 क्या हुआ मेरे पेट में, चूहे कूद रहे हैं, मुझे जल्दी खाने को दो। पूजा की थाली गिर जाएगी, चलो चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर और मैं? माँ तुम भगवान की पूजा करो, मैं चली पेट पूजा करने। अरे पगली, अभी तक खाना बना नहीं। खाना नहीं बना? ओहो सुन, तो चिंता मत कर, मैं अब भी गई और अब भी आई, मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी। माँ यमुना सोई क्यों नहीं, क्यों अपनी आंखों को तकलीफ दे रही है? हाँ हाँ सोती हूँ। अरे सुनी हूँ आज भी तूने राजू के साथ झगड़ा कर लिया। ये तो रोज की बात है, अगर छोटे मोटे झगड़े ना हो तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर शादी की बात भी ऐसे ही करोगी? शादी किससे माँ? राजू से। अरे मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है। ओहो माँ, तुम्हारा हर वक्त एक ही बात।
अरे ये जो मोहब्बत है, क्या हुआ? तुम्हारा राजू आ रहा है नशा करके। दे दे ये जो मोहब्बत है ये उनका है। सुनो सुनो ना भाई, जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन इसको इसको कभी हाथ मत लगाना भाई। अबे मुझे बेवड़ा बोलता है? तू बेवड़ा, तेरा बाप बेवड़ा। देखा तो माँ, मैं इस बेवड़े से शादी करूँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, तेरे लिए तो स्वर्ग से दूल्हा आएगा। ए जानी, सॉरी माँ। पता है माँ, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर। सफेद घोड़े पे चढ़कर एक राजकुमार आएगा। हेलो सूर्य जी। हाय, वेलकम टू होम। हेलो डैडी। डैडी, लंदन में सब होता है लेकिन इंडिया में नहीं होता। मतलब मुझे रिसीव करने नहीं आना आप? ओह, आई एम रियली रियली सॉरी। ओके, मैं तुझे एयरपोर्ट में नहीं रिसीव कर पाया। एक्चुअली आई कांट वेट ए मिनट। और ऊपर से कोई भी फ्लाइट देखो 3-4 घंटा लेट। आई नो, आफ्टर ऑल आप एकदम ब्रिटिश जैसे हो गए। देखते हैं। डैडी, अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ साथ मैम को साथ साथ क्यों नहीं लाया है ना डैडी? एग्जैक्टली। नहीं डैडी, मैं शादी करूंगा तो एक भारतीय नारी से, घर गृहस्थी वाली से, हमारे कल्चर में पले भरे लड़की से, प्योर भारतीय, मेड इन इंडिया। आप यहाँ इतनी रात गए आप यहाँ? अरे मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा गंगाड़ियर? इतने बड़े घर में तुम्हारा अपना कोई है तो मैं हूँ विकी। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं चिल्ला के शोर मचाऊंगी। चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, बोलोगी कि विक्रम मेरा बलात्कार करने वाला है। बोल, जितना चिल्लाना उतना चिल्ला, लेकिन विक्रम तुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो जो पसंद करता है वो हासिल कर लेता है। छोड़ दीजिए मुझे, पिताजी, मुझे बचा लो, क्या हुआ? अरे क्या धांधली मचा के रखे हो? रुको, अरे भक्ति कहाँ है? छोड़ो मुझे, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ विकी? चोर दीदी, चोर। चोर कहाँ पे है? बाहर का चोर नहीं दीदी, इसी घर का चोर है, तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो चुप कर, तुझे किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ विकी? हुआ कुछ नहीं है, लेकिन दिन में ये मेरा घर साफ करने आई थी, उसके बाद से मेरा पर्स गायब हो गया है। ये नहीं लेगी तो कौन लेगी बोल? अब तू इस घर में चोरी करने की हिम्मत करने लगी कलमोही लड़की? नहीं माँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मामा जी ने मेरे साथ। चुप कर, अभी पता चल जाएगा दीदी वो सच बोल रही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखो दीदी मेरा पर्स। अरे कलमोही, अगर तूने पर्स चोरी नहीं किया तो यहाँ क्या वो उड़ के आया? बता। नहीं बता, नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, बता। जाने दो दीदी, जाने दो, उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए तेरे कोमल हाथ बेअसर है, मेरे बेल्ट का कमाल। मार उसको। हे
उठ। मुझे छोड़ चोरी करेगी। अरे 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 मेरे बिटिया को छोड़ो। विक्रम साहब, आपका मन का इच्छा पूरा नहीं हो इसलिए बेचारे इस लड़की को इस तरह से पीट रहे हो। चिंता मने, मारो जितना मारना है मुझे मारो, लेकिन गंगा के ऊपर हाथ मत उठाओ। चिंता मने। पिताजी पिताजी पिताजी, मत मारो मुझे, बचा ले। अरे ये लाचार बुड्ढा तेरी क्या मदद करेगा। मत मारो पिताजी, मत मारो जी। नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यमुना, मुझे मत मारो, मुझे मार। क्या पता नहीं क्या होता है। ए लड़की, उठ। माँ, ऐसा क्यों कर रही है? कोई बुरा सपना देखा क्या? ओह माँ, माँ ऐसा लगा मुझे सपने में कोई मार रहा है। सपने में भी डांटा ड्रामा करती रहती है। रुक, बताती हूँ, सब छुड़वा दूंगी। सच में तुझे मारना चाहिए। ओहो माँ, सुबह सुबह क्यों मूड खराब कर रही हो? क्या बोली? सुबह सुबह धूप सर पे आ गई है, जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। अरे माँ, मेरा काम तो शाम का है, अभी से रेडी होके मैं क्या करूँगी? गायत्री नर्सिंग होम में जाना, मैंने तुम्हारे लिए नर्स की अच्छी नौकरी पक्की की है। नर्स? जानी, इस देश की इतनी मशहूर हीरोइन मिस यमुना करेगी नर्स का काम? नहीं, जिसका एक्टिंग देखने के लिए करोड़ों लोग दिल थामे आंखें फाड़कर इंतजार कर रहे हैं, वो क्या बीमारों का इलाज करेगी, उनकी गंदगी साफ करेगी? इस करेगी, बिल्कुल करेगी। तो फिर क्या मवाली लड़कियों की तरह दिन भर घूमते रहेगी? ठीक है शांति मौसी, आज यमुना को छोड़ दो। क्यों, कहाँ जाएगी आज? आज डांस का बड़ा प्रोग्राम है। जानी तूने तो जमा दिया। कहाँ है प्रोग्राम बताओ? सुन, जो कमाएगी 50-50। ओके डन, लेकिन पैसे कहाँ हैं? आ रहा है। भाई लोग समझ गए, यमुना दीदी ऐसा नाचेगी ना पूरी ऑडियंस फेल हो जाएगी, देख के खुश हो जाएगी। भाई नमस्ते, कैसा प्रोग्राम चाहिए? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी? ये सब कौन देखता है आजकल, कौन समझेगा ये सब? ओहो फिल्मी डांस चाहिए। एक दो तीन, कोई डेमो मत देना, स्टेज पे सीधा काम कर। Hey!
क्या गुरु जॉनी पैसा देके गया ना? अरे देगी कहाँ से, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेकअप रूम में ड्रेस बदल रही है और मैं यहाँ मक्खी मार रहा हूँ। लो तुम इधर क्यों बैठे हो, अंदर जाके देखो ना। वो लेडीज रूम है ना। ठीक है, मैं लड़का भी नहीं हूँ लड़की भी नहीं हूँ, मैं जाके देखता हूँ अंदर। जाके जल्दी देख, आज अगर 50% नहीं लिया तो कल कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है गुरु मैं देखता हूँ। देख गुरु 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 अंदर कोई है ही नहीं, आइटम भाग गई। मुझे चूना लगाया। ए चमक चलो, ए सुंदरी कहाँ जा रही हो? ए चमक चलो, ए वाह 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 क्या बात है, वाह। नेशनल हाईवे में द्रौपदी का वस्त्र हरण, लंदन में तो ऐसे नहीं होता ना। कैसे छोड़ दे, चमक चलो, चमक चलो, आओ आओ इधर, अरे आओ 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 आओ, अरे आओ, छोड़ो मुझे, अरे आओ, छोड़ो, छोड़ो, हाय भाई लोग, यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? देखिए ना सर, मुझे रास्ते में अकेले पाकर ये लोग। अरे सुनो सुनो, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, वो अपने घर चले जाएगी, जाने दो ना। चुप है, चल भाग। नहीं सर, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए सर। सुनो 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 तो, अरे मेरी बात तो सुना, हेलो हेलो सुनो तो। अरे मैं तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लंदन में तो ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्यों हो रहा है? इंडिया है, छोड़ो मुझे। अरे हाँ, चल। अच्छा अच्छा, इंडिया में ऐसा होता है सब? ए चल चल यहाँ से, बहुत बोल लिया तुमने, चल। अच्छा अच्छा चलो चलता हूँ, छोड़ के मत जाइए सर, चलो लेके चलो, लेके चलो, चलो चलो, बचाओ। राजू, यमुना फूट ली यहाँ से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अरे तुमने होते तो शायद ये लोग मुझे लंदन से ऊपर ही सीधे भेजते। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने क्या किया, ये तो मेरा काम है, रोज किसी ना किसी के साथ मारा पीटी होती रहती। अच्छा, है मेरी हॉबी है। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होता। क्या? लेकिन इंडिया में ऐसे ही होता है। गुरु, अगर वो जानी भाग गई ना तो हमारा हंसना रोना सब बंद हो जाएगा। अबे चल चल, मिलते हैं भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। चल बाय, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो यार घर चलते हैं, लंदन में तो नहीं होता है सब। चलो ज-
जिसके लिए अमिताभ बच्चन बनना पड़ा मुझे, वो लड़की है कहाँ? कुछ भी बोलो, मेड इन इंडिया थी, और एक बार मिल जाए तो सोने पे सुहागा। चलो अंदर। हेलो माय डियर सन। डैडी इतने रात गए आप सोए नहीं? कैसे सो जाऊं, जिसका डॉक्टर बेटा आधी रात तक बाहर रहता उसके बाप कैसे सो सकता है? लंदन में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है। देख ले, लंदन से आने के बाद तू आधी रात तक क्लब पे रहता है। अच्छा डैडी, पहले ये बताओ नर्सिंग होम के अलावा कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? एग्जैक्टली, मैं तेरा एंगेजमेंट कराने वाला हूँ। किसका एंगेजमेंट? मतलब तेरी शादी। लेकिन डैडी। नो लेकिन वकीन, पता है जब तक तू नहीं शादी करेगा मेरी धर्मपत्नी मतलब तेरी माँ मायके सिंह यानी है कि साफ बोल दिया। अच्छा, लेकिन लंदन में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है। या हो रहा है, देख रहा हूँ। डैडी, जो बात आपसे मैंने कहा था, असली इंडियन घर की लड़की, सीधी सादी घरेलू टाइप की, और साड़ी या चूड़ी वाली, चूड़ी वाली बरोबर ना? हो गया तो सब मजा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारे लंदन में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में है। अरे ये तो वो है। डैडी को कैसे पता चला कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ कब से? ये तो पूरा मेड इन इंडिया है भाई।
मुझे देखेगी वो शर्मा के कुछ कह न पाएगी वो मैं इंतजार करूंगी रे प्यारे तुझे सजन करूंगी रे सत जानन का बंधन कभी ना टूटे मेरे साजन मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया इंडिया मेड इन सूर्या बेटा, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? नहीं, ट्रांसफॉर्मर जल गया, ये तो पूरा ही मेड इन इंडिया है। अच्छा, मामला फिट? फिट। हाँ सुन, तेरी मम्मी कल आ रही है, लड़की को देखने जाना है। आ बेटी, आ। अरे रहने दो, रहने दो। रहने दो। ये है मेरी बेटी सीमा, वुमेन्स कॉलेज में बीए पढ़ रही है। मम्मी, इन लोगों के लिए चाय कॉफी ले आऊं? तू बैठना, रघु लेके आएगा। ठीक है। पता है, घर के सारे काम करना इसकी हॉबी है। आजकल के लड़कियां तो घर के कोई काम नहीं जाती। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा बेटा, तू आते समय गंगा को साथ क्यों नहीं लाई? नहीं, मतलब मैं उसे लेके आती हूँ। सीमा, तब तक तो आंटी के साथ बात कर। मम्मी, मैं आती हूँ। राजा साहब, गंगा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बिल्कुल राजकुमार जैसा दिखता है। लंदन से डॉक्टर बन के आया है। उसका नाम है सूर्या। तुम इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? नहीं, मतलब लंदन में ये सब नहीं होता। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है। गंगा आ रही, आ रही, अभी आ रही। अरे अरे, ए छोरी, चुपचाप सीधे चल, नहीं तो। माँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ। चल। ये क्या है जी? ये क्या है? बैठो बेटा, बैठो। ये क्या, शिव जी की बेटी गंगा? हाँ। लेकिन मिस्टर मुखर्जी ने क्या बोला था मुखर्जी साहब ने? अरे छोड़ो मुखर्जी, अरे वो तो पुरानी बातें हैं। हाँ सब जी। नहीं मतलब आजकल की लड़कियां फैशन नहीं करेगा तो क्या, हम तुम करेंगे? क्या बोलता है बेटा? हाँ डैडी, सही बोले, इंडिया काफी फॉरवर्ड हो गया। अरे गंगा, उनके लिए चाय नाश्ता ले क्या, जा। रघु, वो गंगा के हाथ से चाय भिजवा दो। संभाल के बेटा। हाँ संभाल के। अरे अरे अरे, ये क्या? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे गंगा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। दोष नहीं। रणजीत जी, आप हम सब लोगों को यहाँ अपमान करने के लिए बुलाया? सूर्या, उठ, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, चलिए जी। नहीं सूर्या, देखिए, हम लोग यहाँ मॉडलिंग या फैशन शो देखने नहीं आए, आया था मुखर्जी साहब से आपकी बेटी की तारीफ सुनकर। लेकिन यहाँ आके जो देखा कि आपकी बेटी चौधरी खानदान की बहू बनने की लायक ही नहीं। आ जा बेटे। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, सुनो सुनो, आप लोग इस तरह मत चले जाइए। भगवान के वास्ता, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी गंगा को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपको, सूर्या साहब, आप तो एक डॉक्टर हैं, मरीज को देखते ही आप अंदर की बीमारी जान लेते हो। क्या आप गंगा बेटी को पहचान नहीं पाए? कुछ
समझ नहीं पाए क्या? रहने दो, बकवास सुनने का टाइम नहीं है। साहब मेरी बात जरा सुन लीजिए सूर्य साहब, मेरी बात जरा सुन लीजिए सूर्य साहब, मेरी बात सुन लीजिए, आप हमें छोड़ के इस तरह मत जाइए, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। चाचा नहीं, आप ये सब मत कीजिए, तो होना ही था। मेरी वजह से आप क्यों अपमानित हो रहे हो चाचा? सुनिया चल। नहीं बेटा मत रो, मत रो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जमुना दीदी। इतना बड़ा गिफ्ट? लो, तुम जानती नहीं हो मौसी, हमारे गुरु ने स्पेशल ऑर्डर देके केक बनाया है जमुना दीदी के लिए। केक? क्या बात है जानी, माँ जल्दी से करछी लेके आओ, केक काट लो। तुझे बोला था ना, सब बेकार हो गया। अरे गुड़ खाने वाले लोग केक क्या खाएंगे, अपना अपना स्टैंडर्ड होता है ना। जानी ऐसा कौन सा केक लाया है तू, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यमुना कट, नो केक। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा इंग्लिश मत बोल, अंग्रेजी तो तू अच्छे से जानती है ना, बस तुझे पीएचडी की डिग्री दे दे तो फिर तो तू कॉलेज की प्रोफेसर बन जाएगी। अब क्या बोला, क्या बोला तूने? ये सब क्या हो रहा है, जन्मदिन के दिन झगड़ा? अरे तुम जानती नहीं हो मौसी, जमुना दीदी आ गए और हमारा गुरु 16 है। क्या बोला? मैं आ? अबे सुन, तेरी हिम्मत तो कम नहीं है। अरे तो मुझ पे क्यों भड़क रही हो दीदी, तुम्हारे लिए मैं एक चाकू लेके आया हूँ नया, लो पकड़ो। नया छुरा? मुझे किसी का खून करने का मन कर रहा है। चुप कर। ए जमुना नाटक छोड़, केक काट। ले केक काट। अरे काट बोला ना, काट। गंगा इस कागज पे एक अंगूठा लगा दे, उसके बाद तुझे जितना केक खाना खा लेना। ये क्या है? ये तेरे पिताजी शिव प्रसाद के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तू है, ठीक वैसे ही ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी है, मतलब इतनी बड़ी संपत्ति की देखरेख करने का तेरे साथ साथ मेरा भी है, यही सब इसके अंदर लिखा है। सुन इतने सवाल मत कर, जो मैं कहता हूँ वैसा कर। सोच क्या रही है? इसमें तेरी भी भलाई है और मेरी भी। नहीं, मैं नहीं। गंगा तू मेरे मुंह पे बात कर रही है, तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? गंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं बोलती तो चुपचाप कर दो, नहीं तो नतीजा क्या होगा तुम्हें पता है, अपना अंगूठा लगाओ। नहीं गंगा, चुपचाप तुझे अंगूठा लगाना पड़ेगा। गंगा अंगूठा लगा रही है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। गंगा सब 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 हट। पता है इस सारी संपत्ति का मालिक बनने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया है, तू मेरे सपने को चकनाचूर करने की सोच रही है? मुझे मत मारिए। मुझे मत मारिए। नहीं नहीं छोड़ दो मुझे यमुना, छोड़ दो यमुना। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं हूँ। क्या हुआ बेटी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बताओ बेटी। सर फट रहा है माँ। मुझे क्या हुआ? मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है माँ। क्या हुआ मुझे बेटी? कोई क्या हुआ? कोई मुझे बुला रहा है माँ, कोई मुझे बुला रहा है। मैं हूँ माँ, मैं हूँ तुम्हारे पास बेटा। कुछ नहीं हुआ माँ, माँ ना ना
हर वक्त मुझे एक ही तरह का सपना, वही अत्याचार, वही दर्द, वही रोना। मुझे मेरा सर फट रहा है माँ, मेरा सर फट रहा है। क्यों कर रहा है? बोलो माँ, बोलो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ, क्यों हो रहा है? बोलो। बोलो माँ, बोलो, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? यमुना की जुड़वा बहन, राजा साहब की बेटी अगर जिंदा है तो भी वो 20 साल की हुई होगी, तो क्या उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा होगा? बोल, बोल, तो अंगूठा लगाएगी कि नहीं? बोल, उठ, उठ। धरा, सुन शिव प्रसाद, आज से तुम्हारी ये समस्त संपत्ति का एकमात्र अधिकारी मैं हूँ। मैं रंजीत सामंतराय। हम लोग? हम सब लोग हैं। हाँ, हम सब लोग हैं। यमुना, ए यमुना, ए बिटिया, यमुना, 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 कितर, सुनना, है नहीं लगता। चल गोपाल, दूसरा दिन आएंगे। क्या बात है गोपाल भाई? भूत, 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 तुमने क्या दारू पी है या भांग खाई है? देख रहे हो कि तुम्हारे सामने सही सलामत जिंदा हूँ, फिर भी भूत कह रहे हो? तुम जिंदा हो शांति बहन? सच में? देखो बाबा, लेकिन यमुना जो बोली, यमुना क्या बोली वो? बोल दो, तुम सच्चे भूत नहीं ना? ए बदमाश, और एक बार भूत भी बोला तो भूत की तरह मारूंगी। ना ना, बताता हूँ, बताता हूँ। गोपाल बड़ा मुश्किल में पड़ गया। ढाई गया तो खाई, पाए बोले तो कुआ। ये बुढ़िया नहीं छोड़ेगी। यमुना के बारे में कुछ बोले तो हमारा कीमा बना देगी वो। ए, आपस में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? बोल यमुना क्या बोली वो? नहीं नहीं मौसी, ना शांति बहन, बात ये है कि यमुना कह रही थी तू बोलना रे। यमुना ने बोला कि तुम कैंसर से खट्टे पकड़ लियो और हॉस्पिटल में तुम ही बोल दो साहब। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में तुम मर गई। यमुना ऐसा बोली? बोल मत, बोल मत। तुम्हारा दवा पानी के लिए हम पैसा दिए थे और
हम गए थे वहाँ पैसे लेने, उल्टा वो रो रो के हमसे ही पैसा ले लिया जी दोबारा। समझ गई, सब समझ गई। मेरे जिंदा होने के बाद भी मुझे मरा हुआ साबित कर रही। मैंने भी उसका ऐसा मजा नहीं चखाया ना, तो मेरा नाम भी शांति नहीं। आने दे उसको, ऐसे छड़ी से मारूंगी ना। आने दे, मुझे मरा हुआ साबित कर रही। क्या हुआ मौसी, तुम ऐसे बुदबुदा क्यों रही हो? और किसको है ना वो नागिन जिसको मैंने दूध पिला के बड़ा किया। किसने? जमुना ने। मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना राजू। अरे वो लड़की जिंदा माँ को मरा हुआ साबित कर रही, इससे बड़ी बदनसीबी भी मेरे लिए और क्या होगी। आज आने दे उसे, ऐसा मारूंगी। मामला तो पूरा फिट हो गया, आज कहाँ जाएगी जमुना बुढ़ी, आज देगी सॉलिड। माँ 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 मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाने को। किसको माँ बोल रही है? तुम्हें। क्यों रे मवाली गुंडी कह की, तेरी ये माँ क्या मर गई? जो बोलने वाले आके श्राद्ध कर रहे हैं। जा तू भी चली जा यहाँ से। क्यों बेकार की बात कर रही हो, जल्दी खाने को, तो मुझे बहुत भूख लगी है। देती हूँ, आज तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगी तो जिंदगी भर याद रखेगी। क्यूरी मुझे मुझे कैंसर हुआ है। हाँ, मेरे नाम से लोगों से पैसे लिए। क्या बोल रही हो? मुझे मारना मत। मेरे लिए पैसे लिए? झूठी कहकी, मेरे नाम से इतनी बड़ी बदनामी, मुझे मार के तू पैसे कमाएगी? ले भागो लगी, खा खा, पैसे चाहिए। माँ मुझे दर्द हो रहा है। माँ चले जा यहाँ से, चले जा। लोगों से पैसे लूटती हो? मौसी अरे जाने दो, मौसी क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो? तुमने मुझे सच में जाने के लिए बोला? देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं तालाब में कूद कर मर जाऊंगी। हाँ हाँ चलेगा, तू मर जा। मैं जहर खा लूंगी। हाँ हाँ चली जा, मैं लौट कर कभी नहीं आऊंगी। कभी मत आना, तुम्हारी यमुना चली जा रही है। जा मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे मौसी क्या कर रही है तू? अरे जा, तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं, आज से मैं तेरी माँ नहीं। जा, मैं सच कह रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। जा जा जा, मैं पछताना। हाँ पछता लूंगी मौसी, मैं जा रही हूँ माँ। अरे जा, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाना। मौसी वो तो चली गई ना। हाँ जाने दे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। तो सब जानता है, तू सब जानता है। बोल गंगा कहाँ गई, गंगा कहाँ चली गई, बता। ये सब तेरा प्लान है? हर रोज जिस प्राणी पे जुल्म होता हो, कभी पिंजरा अगर खुला मिले वो तो भागेगी है ना। और गंगा तो एक इंसान है ना। इंसान? अरे तू मुझे समझा रहा है? ये सब तेरा ही प्लान है, नहीं तो बकरी जैसे मैं करने वाली वो लड़की इस घर के बाहर कदम कैसे रखी? मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद गंगा इस हवेली से भाग कैसे? बोल बोल गंगा कहाँ गई है? बोल नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। बोल। नहीं मुझे नहीं मालूम। बोल कहाँ गई है? बोल कहाँ गई है? बोल कहाँ है गंगा, बता। बोल मारो मारो और मारो, मुझे जितना मर्जी मारो मुझे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ गया खुला आसमान में, वो आज मुक्त है, मुक्त है वो। मारो जितना मारना चाहे मारो मुझे। मारो मुझे और मारो। अरे अरे इसको छोड़ो, गंगा कहाँ गई उसका पता। अरे दीदी तू क्यों सब कुछ सोच रही है? हमने तो अंगूठा ले लिया, अब सारी जायदाद हमारी है, वो मर भी जाए तो क्या? तू मूर्ख है, तुझे क्या पता? अगर गंगा के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो पुलिस आके कल हमें पकड़ेगी। तूने ठीक बोला बसंती, ठीक बोला, पुलिस को बताना ही पड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस स्टेशन ही तो है भाई, और कहाँ तुमने फोन लगाया? बोलो 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 बोलो। आई 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 गंगा। गंगा का मतलब तो सुपर हिट है भाई, देखिए देखिए सारी फिल्में देखी हैं। गंगा जमुना राम तेरी गंगा मेली, जिस देश में गंगा बहती है गंगा की सौगंध सब देखी। अरे नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे बेटी नहीं भतीजी। नहीं भतीजी के बारे में बात कर रहा हूँ। डोंट वरी, पाताल में भी छुप के रहेगा तो इंस्पेक्टर भैरव उसे छोड़ेगा नहीं।
आप सिर्फ थाने में आके एक रिपोर्ट लिखवा दीजिए और सुनो, लड़की का एक फोटो लेके आना। गंगा? हाँ हाँ, गंगा की। घर से तो मैं भाग आई, पर मैं मरूं कैसे जानी? यहाँ से कूद जाऊँ? सरजी, ये लड़की खुदकुशी करने गई थी। ऐ छोड़, यहाँ पर मैं अनशन पे बैठ जाऊंगी, यहाँ चल रहा नारी पे अत्याचार। ऐ छोड़, ऐ सब पे बात करती है तू? चुप चिल्ला रही है? ऐ चुप खड़ी रहे यहाँ पे। छोड़ हेलो मिस्टर रंजीत, हाँ मिल गया। कहाँ से? यही है। नहीं नहीं, आप आ जाइए। हाँ, अरे मैं पूछता हूँ, तुम घर छोड़ के क्यों भागी? मेरी मर्जी, भाग आई। पर तुम मुझे पूछने वाले कौन हो जानी? नहीं मतलब घर पे रहोगी तो इस तरह से थोड़ा झगड़ा होता रहता है, इसमें भागने की क्या आवश्यकता है? भागो नहीं, हमेशा मुझ पे चिल्लाती रहती है। अरे होता है, वो एक कहावत है ना, आंधी आया तूफान आया, लड़की घर से बाहर तभी निकलती है जब उसकी मौत आए। नहीं नहीं, मैं नहीं सह सकती। सुनो, मैं तुम्हारे माँ और मौसा को खबर कर दिया हूँ, तुम अच्छे बच्चे की तरह उनके साथ में चले जाओ। मौसा? कौन मौसा? मेरा कोई मौसा वैसा नहीं है, मेरी सिर्फ एक माँ है। अच्छा बेटा, अच्छा, इतनी छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते गंगा बेटे? क्या कहा, गंगा? कौन गंगा? मेरा नाम यमुना है जानी। बाय बाय, मैं जा रही हूँ। रुको छोरी, रुको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, छोड़ छोड़, खेल रही मेरे साथ। वो लड़की कहाँ है? ठीक है, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बेटी? कौन कौन वो देखो? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आ नीचे आ। उतर आऊं? तू मुझे गोद में लेगी मोटी? ये गंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तेरी माँ है और मैं तेरा मौसा हूँ। चेहरे से तो लगता है वो चमची और तुम चमचा। हम तुझे घर ले जाने के लिए आए हैं बेटा। तुम्हारे घर? क्यों? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूँ? इज्जत से नीचे उतरा, नहीं तो गोली मार के खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, मैं उतरती हूँ। माय डियर मौसा जी। देख बेटी, तेरे जाने के बाद से माँ ने रो रो के खाना पीना छोड़ दिया था। हाँ, सच में मेरी माँ। अच्छा इंस्पेक्टर, अब मैं इसको घर लेके जाऊँ? ले जाओ ले जाओ, मुझे चाहिए नहीं, ले जाओ। चलो जाओ। चलो चलो बस। चलो। ओफो, देखो तो मेरे पुलिस स्टेशन की क्या हालत करके गई। क्या करो अभी? अटेंशन। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं जानी? घर। हाँ, किसके घर जानी? चल पहले घर तो चल, एक चाबुक पड़ेगा ना तो जानी बोलना भूल जाएगी। घर के बाहर क्या रही, ज्यादा स्मार्ट हो गई है। चल चल, तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। कौनी किसको मार रही है? क्या बोली? मैं तो मजाक कर रही थी जानी। चल चल, तेरी ये जबान ना मैं काट कर चिपकली के खिला दूंगी।
पम 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 वो चौपाटी जाएंगे भेलपुरी खाएंगे। मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो गया। अरे मेरी गाड़ी का दिल तोड़ दिया। अब तू क्या करेगा? अरे सुनिए तो सही, रोमियो बनता फिरता है। अरे यार बाहरा आँख में पट्टी लगा के रखी है। कुछ भी सुना नहीं सोचा नहीं और गाड़ी को अचानक से रोक दिया। जाना पहचाना चेहरा है तुम्हारा। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? कहीं तो मैंने देखा है तुम्हें। ओहो, अरे फालतू बात छोड़ के असल बात पे आओ ना। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी ने ब्रेक क्यों मारी और मेरी गाड़ी का डैमेज क्यों हुआ? हाँ, याद आ गया। हा? तुम्हें मैंने थाने पे देखा है। हैं? हाँ,
तुम ही हो वो कमीना इंस्पेक्टर। कमीना इंस्पेक्टर? नहीं 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 मैडम जी, मैं वो नहीं, वो मैं नहीं। तुमने जुड़वा पिक्चर देखी? मैं हूँ वो जुड़वा। वो पैदा होने के पहले मैं एक मिनट पहले पैदा हुआ था। मेरा नाम रसिक लाल माणिक चंद चिंद्र स्वामी, उसका नाम चिंद्र स्वामी माणिक चंद रसिक लाल। मेरा कारखाना उसका थाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। तुमको कैसे मालूम? क्या तुम पुलिस हो? अरे चलिए तो। लेडी कॉन्स्टेबल, पुलिस की वर्दी पहन के कानून तोड़ती है, आज ही तेरी नौकरी खा जाऊंगा। जानी कानून मैंने बनाया, मैं ही तोड़ूंगी। सुनो जी, हम तो सामने से गाड़ी चला रहे थे, तुमने पीछे से आके धक्का मारा, ये क्या हमारी गलती है? इसका मतलब दो ड्राइवर होना चाहिए, एक आगे देखे एक पीछे देखे। जानी बेकार की बात मत कहो, ज्यादा बोलोगे एक ऐसा घुसा मारूंगी 32 तार टूट जाएंगे। बहुत बढ़िया बोली, गाड़ी का नुकसान मेरा हुआ, ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, कैसी हवलदार है रे? ऐ चुप। चलो। रुक, कहा जा रही है? उल्लू बना गई मेरे को, मेरी गाड़ी का नुकसान मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मैं भाई को बोलूंगा मेरे, छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, नौकरी निकाल के रहूंगा तेरी, देख लूंगा तुझे। अजीब बात है, आपने उसको कैसे पटा लिए, लेकिन असली कसूरवार तो मैं ही हूँ। हाँ कभी कभी ऐसा होता है तो ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा ये बात है, सच कहती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप मेरे गाड़ी के अंदर आए कैसे? मेरी सिंपल, दरवाजे से। अरे देखो मैं कितना बेवकूफ हूँ, दरवाजे से ही तो लोग अंदर आते है ना। लंदन में भी ऐसे ही होता है। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? घर, माँ बाप से मिलने के लिए। हाँ फिर तो बड़ा मजा आएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके माता पिता से मिल के आऊंगी। ऐसा है बाप? अरे आप तो मेरी तरह बात करते हैं। आप बहुत बहुत अच्छे हो। हाँ अच्छा, ये आप कहना क्या जरूरी है? आ, बिल्कुल नहीं। कसम से एकदम। बाप रे बहुत सुंदर घर है। अरे इस घर से पता चल रहा है तुम लोग बहुत अमीर हो। समझ में आया। हाँ। लेकिन इंसान जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, जैसे कि इधर आओ। हाँ? उस दिन तुम्हें देख के ये लगा था। हाँ उस दिन मैं कैसी लग रही थी? एक मूर्ख गांव की लड़की, फैशन में फ्लॉप वाली, फैशन का फो ही नहीं पता उसे। चेहरे में ऐसी लगी लाली पाउडर नहीं, वो जो चूना थोप के आते ना, लिपस्टिक तो नहीं, जैसे लाल पेंट लगा के आई हो। हाँ अच्छा तो और आज? और आज झोपड़ी वाली जो नए होम गार्ड में दाखिल हुई। मैं तो वही हूँ। अरे बाबा मुझे पता नहीं कि तुम हो कौन एक्चुअली, मेरे डैडी मम्मी आने से पहले ये ड्रेस खोल दो तुम। हाँ मेरा मतलब है कि साड़ी पहन लो। साड़ी? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मुझे आता है। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए पहन सकती हूँ। अच्छा। लंदन में तो ऐसे नहीं होता। That's like a good girl. चलो। ये मेरी बहन संध्या का रूम है। हाँ? शादी हो गई है, कभी कभार आ जाती है। अच्छा सुनो, इस अलमारी में साड़ी रखा है, जो पसंद है ले लो। इतनी सारी साड़ियाँ लंदन में ऐसा तो नहीं होता। डैडी मम्मी आगे लगते हैं। सुनो मैं नीचे जाकर उनसे बातचीत करता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, देर मत करना। ए मम्मी कैसा है बेटे? अरे बस। हेलो बेटे। हेलो डैडी, हाउ आर यू? हाँ बेटे सूर्या, माली कह रहे थे तेरे साथ एक लड़की। तो देख बेटे हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। लड़की? हाँ लड़की। ओहो वो लड़की। डैडी मुझे लगा किसी और की बात कर रहे हैं, लंदन में तो ऐसे नहीं होता, वो तो गंगा है। गंगा? वो मैं रस्ते से जा रही थी, वो मुझे मिल गई और तू यहाँ लेके आ गया, क्या जरूरत थी यहाँ लाने की? नहीं डैडी, गंगा के बारे में जो मेरा ख्याल था गलत था, वो बिल्कुल वैसी नहीं है। लेकिन वो दिन जो सब हुआ था उस दिन डैडी 100% ड्रामा। ड्रामा? मम्मी आज उसे देखकर अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। सच में मम्मी, शी इज नाइस,
पता है जब तक आप उसे नहीं देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, लंदन में भी नहीं होता, ठीक है ना? ऊपर जाता हूँ ले आता हूँ उसे। ये क्या बोल गया? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ, रेडी हो? रेडी। नीचे डैडी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच में बड़ा मजा आएगा, चलो। क्यों मम्मी, अब विश्वास हुआ आपको? ये क्या, ये तो बिल्कुल बदल गई जी। हाँ बिल्कुल। अरे अरे बस बेटी। रहने दो बेटी, रहने दो बेटी। सब लोग ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप भी अच्छे हैं? अरे हमारे बारे में नहीं, तुम्हारे घर के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारी माँ, तुम्हारा मौसा। मौसा जानी, ये माँ और मौसा मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे लगता है। जी वो लोग। क्यों बेटी, वो लोग तुझसे ठीक से बर्ताव नहीं करते? करते हैं, फिर नहीं भी करते हैं। सबके सामने अच्छे हैं, लेकिन अकेले मिल जाए तो बाप रे बाप। देख लिया मम्मी, मुझे तो उसी दिन डाउट हुआ था जब वो हमारे लिए चाय ला रही थी, उसके मामा ने टांग अड़ा के गिराया उसे। मैं खुद देखा हूँ, बोलो सच है कि नहीं? हाँ, ये छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलूं? इसका मतलब वो दिन जो कुछ भी देखा था वो सब ड्रामा था? हाँ, ड्रामा तो हर दिन करना पड़ता है। ड्रामा करना पड़ता है? ड्रामा मतलब नाटक। किसी मशहूर कवि ने कहा है ना, ये जिंदगी है एक नाटक। हम सभी तो नाटक कर रहे हैं, और इसके अलावा पापी पेट के लिए तो नाटक करना ही पड़ता है। क्यों नाटक क्यों करेगी तू? क्या तू उनकी मोहताज है? सुनो जी, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो जानबूझ के इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। देखो तो मेरी गंगा साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। क्या है ना, मांगे हुए साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, है ना? देखा जी, कितनी सीधी साधी भोली भाली बच्ची है ये। अरे बेटी, तेरा सामान कहाँ है? हाँ, मेरा सामान कहाँ है? डैडी, उसका सामान जो मतलब जो उसका सामान जो डिक्की में है ना, जो डिक्की। अच्छा बेटी, घर पे बोल के तो आई है ना? क्या हुआ, क्या बात है? नहीं मतलब, आप लोगों का प्यार पाकर मैं तो भूल ही गई थी, इस दुनिया में मेरा कोई और भी है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रही। वाह वाह, क्या बात है, क्या जंप मारा? जंप नहीं मारी है गुरु, किसी ने आत्महत्या की है। लो डूब गई। अरे हाँ, डूब जा रही है अब। लो ये तो जमुना दीदी गुरु। क्या? वो खुदकुशी कर रही है अब। संभाल के जाना गुरु, जल्दी जाओ, आराम से। ये मासी। हाँ? मासी, क्या हुआ? जमुना दीदी। हाँ? जमुना क्या दीदी हुआ यमुना को? जमुना दीदी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की। तुम कुछ चिंता मत करो मौसी, गुरु ने उसे बचा लिया। हाँ? यमुना, यमुना मेरी बच्ची, यमुना क्या किया तूने ये? यमुना, यमुना क्या हुआ बेटे, तूने इतना बुरा लगा लिया कि जान दे दी अपनी यमुना में? इसे ठीक कर दो यमुना। ए यमुना, क्या हुआ बोल? यमुना मेरी बच्ची। अरे मंटू, राजू ये बात क्यों नहीं कर रही है? यमुना, यमुना तू चिंता मत कर बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन आप लोगों ने मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाती तो ही अच्छा होता। ऐसे नहीं बोलते। माँ से कोई इतना नाराज होता है? मैं तेरी माँ हूँ, इतनी छोटी बड़ी बातों पे कोई अपनी जान देता है? हाँ, ये लोग कौन है गुरु? हा? लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। यमुना, तुम इन लोगों को नहीं पहचानती क्या? यमुना, यमुना कौन? मैं तो गंगा हूँ। ये क्या हुआ इसे? किसी ने कुछ कर दिया क्या? मैं भगवान से माफी मांगती हूँ। आज के बाद तुझे कभी गाली नहीं दूंगी, कभी नहीं मारूंगी। हाँ, मेरे पास आ बेटी, मेरे पास आ, मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाना। कभी नहीं जाना। नहीं बाबा। मेरी बच्ची। चलो। क्यों? अरे तुम अपना घर नहीं जाओगी? घर? हाँ, चार दिन पहले झोपड़ी था, अब इतना बड़ा महल? नो ड्रामा गंगा, चलो। गंगा? मैंने बोला ना मेरा नाम यमुना है। अरे एक ही तो बात है, गंगा। यमुना, यमुना। बेटी तू किधर गई थी? मैं कितनी परेशान हो गई थी मालूम है? बापरे, ये डाइन भी यहाँ है। तू कहाँ भाग गई थी मेरी प्यारी बेटी? मैं घूमने गई थी मेरी मोटी हथनी। अच्छा रुको रुको, अंदर चलो। हाँ जा रही हूँ। लंदन में तो ऐसे नहीं होता, इस देश में होता है? इतने दूर से यहाँ तक लाया, गाड़ी से उतरी और वो लड़की अंदर चली गई? ना, लंदन में ऐसे नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। सूर्य, सूर्य, अरे सूर्य, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो, बोलो। अरे ये तो खुद ही डॉक्टर है। खुद का ट्रीटमेंट खुद कोई कर सकता है? मुझे डॉक्टर की जरूरत है। हार्ट अटैक? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ है मुझे? लंदन में जो हार्ट अटैक होता है वो यहाँ का ब्रेन अटैक होता है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है, डायग्नोसिस सही हुआ है, हार्ट अटैक। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? रेस्ट, फुल रेस्ट की जरूरत है और बहुत केयर की जरूरत है। लंदन में जैसे यहाँ पर भी वैसे। मैं चलता हूँ रंजीत जी। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, टाटा। मैं भी चलती हूँ, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। तू कहाँ जा रही है? हाँ, ये हैं राय साहब के बेटे, इनको देखभाल की बहुत जरूरत है और तू देख रेख करेगी। मैं डॉक्टर को छोड़ के आ रहा हूँ, जा। हाँ ठीक है। ए ये सुनो, लंदन में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी आती हूँ। सुनो तो, लंदन में ये नहीं होता। ए कहाँ चली महारानी? मैं जहाँ चाहूंगी वहीं जाऊंगी। तू बोलने वाली क्या कौन? बोली मैं कौन? चार दिन क्या घर से बाहर रह गई? अपने आप को कोई ज्यादा स्मार्ट समझने लग गई? आज के बाद अगर घर के चौकट लांगी तो मैं तेरे टांग तोड़ के हाथ में रख दूंगी। क्या बोली मोटी? मोटी? हाँ हाँ, मोटी मोटी मोटी। ए मुझे मोटी बोल रही है? अब बताती हूँ तुझे। बहुत जोर आ गया है। छोड़ वरना मार दूंगी तुझे, बोल देती हूँ। छोड़ मोटी, छोड़। नहीं छोड़, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दीजिए अपने आप को। मुझे मारती है? मेरे को मारती उठाती है? नहीं नहीं, बहुत हिम्मत हो गई इसकी। नहीं जाने दीजिए, जाने दीजिए। मोटी तेरी बहुत हिम्मत है। रुक रुक, अभी बताती हूँ। है इसे क्या हो गया? जरूर इसके अंदर भूत समा गया है। अच्छा थोड़ा रुक जाना, अभी मैं तुझे देखती हूँ। अरे बेटिया रुक जा, बहुत देखा तुझे सब, बहुतों को ठीक है, समझती क्या अपने आप को? मुझ पे हाथ उठाया उसने, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना अभी उसको गाड़ कर रख देती। जानी, पहचानते हो तुम मुझे? तुम्हारे तुम्हारी वजह से सब हुआ है। अरे अच्छा ठीक है, माँ मेरा हाथ तोड़ दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो मुझे मारेगी? उसकी इतनी हिम्मत, क्यों वो मुझे मारेगी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे शांत हो जाओ, बकर 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 कर जा रही हो। हाँ, तू खुद बोलेगी या मेरी बात भी सुनेगी? क्या सुनना है? पता है बेटा, तू जाने के बाद इस परिवार में क्या क्या हुआ पता है तुझे?
क्या हुआ है? क्या हुआ है? आजा मेरे साथ, आजा दिखाता हूँ। चिंतामणि, देखो कौन आई है। तू आ गई बेटी, आ बैठ मेरे पास। तुम आराम करो। वो अब कहीं नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं ना। आजा बैठ जा मेरे पास बेटी। बेटा, अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, शरीर तो आग की तरह तप रहा है। हाँ बेटी, तू घर से जाने के बाद रंजीत जी ने उनको इतना मारा कि तब से वो इस हालत में पड़ा हुआ है। तू आगे बेटी, तू देखना, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। बोल बेटी, तू मुझे छोड़ के दोबारा नहीं जाओगी ना? अपने चाचा को तो देख लिया ना, अब राजा साहब को देखेगी तो तेरी आंसू रुकेगी नहीं। राजा साहब? हाँ, आजा मेरे साथ, आजा। आ बेटा, देख तेरा पिताजी का क्या हाल है। तू जाने के बाद से खाना पीना सोना सब कुछ बंद, ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हैं और सिर्फ तुझे ढूंढ रहा है। तब से रोते जा रहे हैं, किसी के हाथ से पानी तक नहीं पिया, दवाई भी बंद कर दी है। पिताजी, नहीं पिताजी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम्हारे इन आंखों में आंसू हैं, तुम्हारे दिल में ये दर्द है, मैं तब तक ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। गंगा, ए गंगा, कहाँ मर गई? गंगा, ए गंगा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? एक घंटे से बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ मर गई है, सुन ही नहीं रही है। हैं? कहीं फिर से फरार तो नहीं हो गई? उस दिन अगर उठा के नहीं लाते तो नरक में पड़ी रहती, सब टेंशन हमारे माथे पर। ए बेटा, जरा देख तो कहीं उसके रूप पे तो नहीं। अच्छा, महारानी सो के सपने देख रही है। गंगा, ए गंगा, उठ रही की नहीं? गंगा, कितना सुंदर सपना देख रही हूँ, मुझे प्लीज मत उठ रही है कि मम्मी को बुलाओ। नहीं, ऐसे नहीं मनेगी ये। उठ उठ, ए मम्मी, उठ, चल फुट। तुझे तो मैं, बकवास बंद कर, बंद कर।
ए हथनी, बना दूंगी तेरा चटनी। मम्मी क्या हुआ? मम्मी आपको किसने मारा? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कहाँ पे मारा? किसने मारा? तेरे मौसा को आने दे, आज इसका मैं कीमा बना दिया। क्या बोली? क्या बोली? हाँ मेरा कीमा बनाएगी? चुप, एकदम चुप। हाँ अब बोल, मुझे सुबह सुबह क्यों जगाया? जवाब दे। चाय और प्रेस के लिए, खाना बनाने और बर्तन धोने। ओ अब आई बात समझ में। आज से खाना कौन पकाएगा? कौन खाना पकाएगा? मम्मा मम्मा नहीं, अच्छे से बोल, कौन पकाएगा खाना? मैं सब खाना बना दूंगी। वेरी गुड। और चाय कौन बनाएगा? कौन बनाएगा चाय? मैं बनाऊंगी। जाओ मेरे लिए स्पेशल फटाफट गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। जा। मैडम आप क्यों खड़ी रह गई? जाइए बर्तन मांजिए, कपड़े आयरन कीजिए, फिर खाना बनाइए। जाइए जाइए। जाते कि नहीं? बेटा इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। बेटा ये तो गजब हो गया। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी ठीक नहीं होती, ये तो पूरा ठीक हो गया। पूंछ तो अभी पकड़ा ही नहीं है चाचा, जिस दिन पकड़ूंगी कुत्ते को भी सीधा कर दूंगी। समझा गुरु? सब उल्टा पुल्टा। अबे किसकी बात कर रहा है? लो तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा ये जमुना दीदी के बारे अब में? उसको क्या हुआ? कालिदास नदी में कूद गए थे आत्महत्या करने के लिए। सरस्वती ने उसे सात बार निगल के सात बार उगल दिया और वो बन गया कभी कभी कालिदास। अरे इसने एक बार डुबकी क्या लगाई, पूरी कहानी ही चेंज हो गई। हाँ मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। देखो ना कितनी शांत, सुशील, घरेलू, सुंदर। खाना तैयार है, आ जाओ, हाथ धो लीजिए। सुन लिया गुरु? आइए बैठिए, कहिए। अभी तक तो तेरी तो आने दे जाने दे, चल बे उठ बे यही सब बोल रही थी, और आज देखो आइए, मतलब फंसिए। लाइन पूरी क्लियर है गुरु, गाड़ी चला लो। चुपे। वाह क्या बढ़िया खाना बना है, दिल कर रहा है मौसी के हाथ को मुआ कर दूं। अरे नहीं रे नहीं, आज तो सारा खाना यमुना ने बनाया है। हाँ। सुन लिया, साफ सुन लिया गुरु, आप किसके हाथ में चुम्मा दोगे? चुप्पे। हेलो हेलो डियर। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ एक हार्ट पेशेंट बनके, और तुम हो कि तुम्हारे मौसा जी ने कहा था ना मेरा देखभाल करने के लिए, लेकिन तुम तो मेरे पास बैठते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, लंदन में नहीं होता। अच्छा बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? अरे अरे छोड़ो छोड़ो ना, छोड़ो बाबा, छोड़ो छोड़ो। बेवकूफ बोलो, और छोड़ दिया इसने। सुनो तो रोगी
जिसे मैं चाहूं प्यार हो सजनी, तुझसे मैं चाहूं प्यार हो सजनी। प्यार तुझे मैं करना ही चाहूं, विधाता ने तुझे मेरे लिए है बनाया। आँखों में तुझको बसा लिया है, दिल के मंदिर में साजन को जो सदा। प्रेम की डाली से हम जुड़ जाए दोनों, तुझसे मैं चाहूं प्यार हो सजनी, तुझसे मैं चाहूं प्यार हो सजनी। रोगी रोगी मैं चाहूं प्यार हो सजनी, तुझसे मैं चाहूं प्यार हो सजनी। रोगी रोगी मैं प्रेम रोगी। बसंती बसंती, अरे क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? अभी तो सिर्फ बैठी हूँ, चार दिन और लेट आते ना तो हम लोग सबको बिस्तर पे देखते। हाँ क्या हुआ? सुनेगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गंगा जब से इस घर में दोबारा आई, हमारा तो जीना मरना दुश्वार हो गया। अब इस घर के मैं मालकिन नहीं, नौकरानी बन के रहेगी। अच्छा, तो इसका मतलब वो मैं करने वाली बकरी अब शेरनी बन गई है। बहुत दिनों से उसको चाबुक नहीं मारा ना। रामखोर, मुझे मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ। गंगा तेरी वजह से बिगड़ी है, हमारे खिलाफ गंगा को तूने भड़काया है। ये चूड़ी पहन ले रंजीत, जो हाथ एक कमजोर पर उठाते हुए खुद को बलवान समझता है, उन हाथों में ये चूड़ी बहुत जचेगी। कौन है तू? नाम में क्या रखा है, कुछ भी बुला लो, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, यमुना या फिर गंगा। मैं दिख नहीं रही, मैं एक लड़की हूँ। तुम जैसे मर्दों के समाज में लड़कियों पर जुल्म करने के खिलाफ अकेले ही लड़ने के लिए अब आगे आने वाली एक मैं ही हूँ। आज तक चूड़ी मेरे हाथों में थी और चाबुक तेरे हाथों में। आज से ये चूड़ी रहेगी तेरे हाथों में और चाबुक रहेगी मेरे हाथों में। गंगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया बुड्ढे। बहुत अत्याचार किया है तूने गंगा पर। गंगा,
अब तू झेल। रुक जा। ले, ले। गंगा। आज तेरा खाल निकाल के रख दूंगी मैं। गंगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। उठ, उठ। गंगा। नहीं छोड़ूंगी तुझे। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। चिल्ला बुड्ढे, और जोर से चिल्ला। इस घर के दीवार तेरी इस पुकार को सुनने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। चिल्ला, और जोर से चिल्ला, और चिल्ला। उठ, उठ, हट। चिल्ला, तेरी ये पुकार सारे दुनिया को सुननी चाहिए। तेरा ये दर्द सारे मर्दों को सुनना चाहिए। चिल्ला और चिल्ला। जिस वक्त मुझ जैसे लड़की के हाथ में चाबुक आ जाता है, उस वक्त तुम जैसे भेड़ियों के लिए भागने के लिए ये दुनिया कम पड़ जाता है। भाग, भाग, भाग। भाग, भाग। सुन, जब तक मैं इस घर में हूँ, तुमने अगर इस चाबू का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारा खाल निकाल कर फेंक दूंगी। अरे चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना भिजवाओ प्लीज। हाँ बेटा, अभी लाके देता हूँ। मेरी बात पे तो भरोसा ही नहीं है ना। लो, बेट लगा लो। कितने की? 50। लगा दी, हार जाएगा तो तुरंत पैसा देना, ठीक है ना? मुझे तो पता है अपुन जीतने वाला है। लो, अपनी आंखों से देख लो। क्या? अरे देखी हमने नई एक बाला, जीन सलवार फ्रॉक छोड़ के पकड़ ली हाथ में थाली, और उसमें है एक माला। अरे कहाँ चली? क्या हो रहा है आजकल जमुना? कहाँ चली तुम? मंदिर में। मंदिर? तू? सूरज कहाँ से उगा है भाई? आप भी चलो ना मंदिर में। मैं भी? अरे मैं और मंदिर? अरे कुत्ता गंगा नहाए तो क्या होगा, तू ही जा, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? दुनिया के लिए तुम्हें टाइम है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई उसके ही लिए तुम्हें टाइम नहीं है। देख जमुना, मैं ठहरा ड्राइवर इंसान, मेरे साथ भगवान का क्या संबंध? है, वो भी तो एक ड्राइवर है। आप जैसे ये चार पहियों वाली गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही वो सृष्टि को चलाता है। वाह 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 वाह, लो आप उनको क्या भाषण सुनाया जमुना दीदी। लो एक काम करो, अगले चुनाव में इलेक्शन लड़ो, देखना कुछ दिन में MLA या MP बन जाओगी, उसके बाद गुरु। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। गुरु। मेरे प्यारे पिताजी, पी लो बस एक चम्मच, नाक बंद करो और गटक लो, पी लो। डॉक्टर साहब ने कहा है तुम दवाई पी लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पी लो। एक, दो, तीन। ग्लास दो। समझ गए राजा साहब, बचपन में आप गंगा के पिताजी हुआ करते थे, ये अभी आपकी माँ है। क्यों बेटा? अरे बेटा, तू यहाँ? उधर रंजीत साहब अकेले बैंक में गए। बैंक किस लिए? आज तारीख पहला। हाँ रघु, रंजीत साहब तो गंगा से जबरदस्ती थप्पा लेके संपत्ति देखभाल का जिम्मेदारी लिया है। पहले तो पैसा लेके और ट्रेजरी में रखते थे, अब से लगता है खुद ही रखेंगे। जी, पैसा आप ले जाएंगे? जी हाँ, आखिर सारी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है ना। ये देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ आप पे भरोसा है, इसलिए तो सारे पैसा आपके हाथ में दे रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए गंगा जी, वेलकम। अच्छा, यह अंगूठा आप ही का है ना? नहीं। ओ क्या बात कर रही, यह अंगूठा आपका नहीं? नहीं, मेरा अंगूठा तो यहाँ है। मजाक कर रहे हो ना?
अच्छा गंगा जी, ये पावर ऑफ अटर्नी आप रंजीत जी को दिए हो ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या? हाँ हाँ, जरा दिखाइए। देखिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। तो फिर हर महीने का जो पैसा मैं लूंगी। गंगा, तू ये पैसा माँ को दे दे, वो अलमारी में रख दे। हाँ, मुझे दे दो। कहाँ रखोगी? अलमारी में। मैं रख दूंगी। ना, आजकल के दिन अच्छे नहीं है। ऐ, ज्यादा मत बोल, चाबी दे, चल। चाबी? चाबी तो मेरे पास नहीं, आपके पास है? ऐ, क्या गलत बोल रही है? नहीं, चाबी तो मेरे आपके पास ही थी। चाबी? नहीं, चाबी तो आपके पास ही है। गलत मत बोल, तूने मेरे को चाबी नहीं दी है। गलत मत बोल, मेरे पास ही है। तू गलत मत बोल, बोल मत। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, काम के दबाव में कुछ भी याद नहीं रहता। माता श्री, ये पतली कमरिया क्या ये भारी चाबी का वजन सह सकेगा? लचक आ गई तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। पिताजी, पैसे मैंने अलमारी में रख दिया है, अब अलमारी की चाबी रहेगी इस घर के मालिक के पास। देखा देखा ना, पानी सर से ऊंचा जा रहा है। आपने अगर इस लड़की का बंदोबस्त नहीं किया ना, तो ये लड़की हमें रास्ते पर लाकर छोड़ेगी, भीख मांगेंगे भीख। ओहो, तू क्यों इतना बकवास कर रही है? उधर लड़की सांप कैसे मेरे सीने पे आके बैठ गई, और तू कौवे की तरह काव काव क्यों चिल्ला रही है? छे! क्यों, कुछ सोचा नहीं? ये समय पे विक्की भी कहीं चला गया, कहाँ चला गया है उसका अता पता ही नहीं। विक्की आया तो इस लड़की की जान नहीं ली ना, तो मेरा नाम बसंती नहीं। तू चुप बैठ दीदी, चुप बैठ। तूने और जीजा जी ने ढील दी, इसलिए वो सर पे बैठ गई। दो चार दिन में बाहर क्या चला गया? गंगा अपनी सारी औकात भूल के ये सब नाटक करने लगी। हाँ विक्की, इस लड़के ने हमारे मान इज्जत कुछ भी नहीं रखा। मुझे तो लगता है इस घर से वो हमें निकाल कर ही दम लेगी। ओ, लगता है उस दिन जो बेल्ट की मार खाई थी वो भूल गई है। अब ऐसी मार मारूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। गंगा, तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। जिस घर की तू नौकरानी थी उसी घर की मालकिन बन बैठी है। हाँ, दो चार दिन में बाहर क्या चला गया? दीदी और जीजा जी पे तूने हुकूमत कर ली। हाँ, आज से तू वही पहले वाली गंगा बन जाएगी। खाना बनाएगी, घर साफ रखेगी और जूठे बर्तन साफ करेगी। और तू यहाँ बैठकर ऐश करेगा क्यों, झूठा खाने वाला कुत्ता? माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। गंगा बहुत पवित्र नाम है, तेरे जैसे कुत्ते की जबान से शोभा नहीं देता। मुझे छोड़ दो। अरे माफ कर दो। अरे नहीं, बहुत हिम्मत है तेरी। मुझे चाबुक मारेगा? ले, अब तू खा चाबुक। ले, ले। चल, चल निकल यहाँ से, चल निकल। अरे बाप रे, अरे बचा। भीख मांग रहा है इनसे, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, जिस पे तुझे कभी दया नहीं आई। चूल्हे पे खाना चढ़ा दिया? हाँ माँ, मुझे दो ना करने के लिए। अरे नहीं, रहने दो, मुझे दो ना। तो हमें कुछ भी करने नहीं देगी। राजू, अरे राजू बॉय, ए राजू। कौन है बे? क्या हुआ? कहाँ पर? आज चल, ठीक है, आज पॉकेट खाली है, और आजकल कोई उधार में तो दारू दे नहीं रहा है। अरे तू टेंशन कर ले, तो मेरे पास बहुत पैसा है। चिल्ला मत, कोई तो पॉकेट मार लेगा। पॉकेट मार लेगा? अरे कौन माइकल लाल मेरा जेब कटेगा? अरे गिर जाएगा। चुप चुप चुप, एकदम चुप चुप, यहीं पर रुको, मैं आता हूँ।
मेरे प्यारी सजनी। क्यों रे राजू, शराब खाने जा रहा? अरे नहीं मौसी, मैं शराब खाने नहीं जा रहा हूँ। ये अपना बीरू भाई। बीरू भाई? वो बाजू वाले गली में रहते हैं ना, इनकी तो शादी भी हो गई। अब कब शादी हुई मेरी? चुप चुप चुप, चार बच्चे भी हैं। मेरा चार बच्चा कब हुआ? चुप चुप चुप, मैं समझा रहा था मौसी, अगर शराब पीता रहेगा तो घर संसार कैसे चलेगा बताओ ना। मैं तो शराब खाने में बताने जा रहा हूँ, ये अगर पैसा भी देगा ना तो भी इसको शराब मत देना। क्यों 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 क्यों? चुप चुप, अब मुर्गियों की तरह कोकड़ कोकड़ मत करना, समझा? चुप चुप चुप। थोड़ी सी शराब पीने के लिए कितने सारे बहाने, उसमें उसका क्या दोष? अकेला इंसान, उसका तो कोई है भी नहीं। वैसे देखा जाए तो वो तो एक हीरा है। अरे जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। अरे जिंदगी कैसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए। क्या हुआ जानी? तू ये इतने रात को क्या कर रही है? जा घर जा। आप पहले घर चलिए ना। घर? हाँ कौन सा घर? हाँ कहाँ है घर? आपका घर। तू सो जा। अरे मेरा घर मुझे पता नहीं, तुझे पता है? हैं, तू जानती है मेरा घर? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है आपका घर। आप चलिए बस, आइए आइए, सब जानती हो मेरा घर, चलिए। तू जानती है ना, सही से अच्छे से पहुंचा देना मुझे, नहीं तो। अरे अरे के मेरा घर आ गया, ये मेरा घर आ गया। लो आ गया आपका घर। घर ये क्या मेरा घर है? हैं, ये चार दीवारी और छत को कोई घर बोलता है? हैं, एक खटिया रख दी तो घर बोल रही है तू? हैं, अरे तू यहाँ पे कुर्सी रख दी तो तू घर बोल रही है? ये डिब्बे विब्बे रख दिए तो घर बोल रही है? हैं, अरे राजू की दुनिया में घर नहीं है, कुछ नहीं है, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई बहन कोई नहीं है। फुटपाथ पे पैदा हुआ था मैं, पर ये मौसी ने इतना सा था तब से पाल पोस के बड़ा किया मुझे। और एक दिन तुम देखना इस चार दीवारी के अंदर ये राजू मर जाएगा। सही दे बोला ना? तो बोलो। और उसके बाद म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आएगी, राजू की लाश ले जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक चूल्हे पे सब जला देंगे। सब जला देंगे साला, कुछ नहीं रहेगा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, जा यहाँ से। ये राजू का कोई नहीं यहाँ पर, कोई नहीं। किसने कहा कि कोई नहीं है? क्या आप शराब नहीं छोड़ सकते? मैं छोड़ू या ना छोड़ू तुझे कोई प्रॉब्लम है? अगर हो तो गुरु मैं आ गया। मैं जानता हूं मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्या करूं, मेरी लाइन थोड़ी आउटलाइन हो गई थी ना। मेरी जमुना कल रात को मुझे बोली, क्यों शराब पीते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो,
पहले तो किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की, अब उसकी बातें सुन के मुझे बदलने की इच्छा हुई, आंखें नम हो गई। जानते हो गुरु, ये सब बातें तुम्हारे सामने करने में दिल को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। देखो गुरु, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना, बाय। कसम लेता हूँ तेरे सर को छुके, तेरा मांग सजा दूँ मैं सिंदूर से। कसम लेता हूँ तेरे सर को छुके, तेरा मांग सजा दूँ मैं सिंदूर से। सस जब तक चलेगी हम होंगे जुदा ना जन्म। यमुना, ए यमुना कैसी हो? बहुत अच्छा लग रहा है ना, इतना बड़ा घर, इतना ऐशो आराम,
हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन ये सब तेरा तो नहीं है, गंगा का है। आ? यहाँ तक कि सूर्य भी गंगा का है। नहीं नहीं, सूर्य मेरा है, केवल मेरा है। अरे बेवकूफ, वो तुझे गंगा समझकर प्यार करता है, उस पर गंगा का ही हक है। नहीं नहीं नहीं, तुम कब तक अपने आप को धोखा दोगी? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने मर्जी से यहाँ नहीं रहती, इनका बचाव करना क्या मेरी गलती है? सही गलत वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले कि तुम पकड़ी जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ और सूर्य को सब कुछ सच सच बता दो। हाँ? मैं अपने झोपड़े में वापस चली जाऊंगी और सूर्य को सब कुछ सच बता दूंगी। अरे भाई, हाँ? एक पैकेट चार मीनार दो। अरे आप और चार मीनार? क्या करे भाई, टाइम टाइम की बात है। ये और यहाँ पर, ये तो मेरा बैंड बजा देगी। सिर्फ आप नहीं, यहाँ पे बहुत लोगों का बारह बजा दिया इसने, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ घर और मंदिर। तुम इसको जानते हो? अरे क्यों नहीं जानूंगा, वो अपन के मोहल्ले का लड़की है। तुम कह रहे हो ये तुम्हारे मोहल्ले की लड़की गंगा है? गंगा नहीं, जमुना। जमुना नहीं गंगा। गंगा नहीं जमुना। नहीं, जमुना नहीं गंगा। अरे गंगा नहीं जमुना, मैंने बोला ना जमुना नहीं गंगा। अबे तू बोलने से क्या जमुना गंगा बन जाएगी? हेलो, पर्दाफाश हो गया जीजा जी, मैं समझ गया कि बिल्ली शेरनी कैसे बन गई है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? एक नहीं, दो दो बिल्लियां हैं। क्या बिल्ली बिल्ली कर रहा है? अरे है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, हमारे घर में जो गंगा है ना, वो असल में जमुना है, गंगा जैसी दिखने वाली दूसरी लड़की। क्या? असली गंगा अभी बस्ती में रहती है, जहाँ से मैं फोन कर रहा हूँ। अरे तो फोन क्यों कर रहा है, ये मौका हाथ से चला गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डोंट वरी, मैं उसे उठाकर सीधा राजमहल लेके आता हूँ। महल में नहीं, उसको तू घर के पीछे बगीचे में ले आ। ठीक है, उसे लेकर मैं घर के पिछले बगीचे में आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब? मतलब यहाँ जो लड़की शेरनी बन के बैठी है, वो असल में गंगा जैसी दिखने वाली कोई और लड़की, जमुना। हाँ, उसका फायदा उठा के उसने सोचा था कि सारी संपत्ति की अकेली मालकिन बनेगी। आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते और सियार को खाने को डाल दूंगा। कहाँ है वो गंगा? सूर्या, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तुम क्या, सूर्या को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। सच में? मुझे पता है। क्या जानते हो तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने मजबूरन। क्या मेरे लिए? मतलब? और कितना नाटक करोगी? क्यों? लेकिन मैं इस नाटक को यही खत्म करना चाहती हूँ। ओह, मैं थक गई हूँ। दो नाव में पैर रखोगी थक तो जाओगी ना। तुम सही कह रहे हो, दो जिंदगी बचाने के चक्कर में मैं ये भूल गई थी कि मेरे नाटक का अंत कैसा रहेगा। तुम ये भी भूल गई हो कि तुम किसे धोखा दे रही हो, मुझे या उसे या अपने आप को। क्या कह रहे हो तुम? तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम उन लड़कियों में से एक हो जिनके लिए एक मर्द काफी नहीं होता। सूर्या, तुम एक ऐसी बात कर रहे हो, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वाह जमुना, वाह, अच्छी एक्टिंग है। स्टेज पर एक्टिंग करते करते जिंदगी में भी एक्टिंग करने लग गई। राजू, तू ये सब क्या कह रहा है? मुझसे क्या सवाल पूछती है, खुद से सवाल पूछ ले।
मेरे दिल में तूने प्यार को क्यों जगाया? तूने क्यों मुझे शराब छोड़ने पर मजबूर किया? मुझे घर बसाने का सपना क्यों दिखाया? ओहो राजू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अगर ये यमुना किसी से प्यार करती है तो वो सिर्फ सूर्य है। ये यमुना कौन है? यही और कौन? लेकिन ये तो गंगा है। जमुना। गंगा है। गुरु, जमुना। गुरु, गंगा और जमुना दोनों जुड़वा है। जुड़वा बहन है। क्या बात कर रहा है? हाँ, वो तो वही बोल रहा था। कौन? जो गंगा को मंदिर से उठा ले गया है। मोंटो। हाँ गुरु, तुम जिसे प्यार करते हो वो दूसरी लड़की है। वो अभी राजमहल में। राजमहल में? सही बात है। इसका मतलब? मतलब मेरी जमुना तुम्हारी गंगा है। मेरी गंगा तुम्हारी यमुना। अब कौन किसका ये सोचने का अभी टाइम नहीं है। अभी तो क्लाइमेक्स का टाइम है गुरु। चल शिशु, संभालो इसे। इसने हमारे नाक में दम कर दिया था। इसके साथ हम जैसे को तैसा करेंगे। जैसे कि तैसा? खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं माँ, नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए। रुक रुक, दोष तेरा नहीं, दोष किसी और का, जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी को फाड़ दिया। ले, अच्छे बच्चों की तरह एक और अंगूठा लगा। ना बेटा, ना अंगूठा बिल्कुल नहीं लगाना, तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे। अबे नमक हराम, जिसका नमक खाया उसके साथी का तरी। रंजीत, मैं जिसका नमक खाया उसी का गुणगान करूंगा। अबे बहुत भाषण झाड़ता है ना। चाचा इसको पकड़। तेरी भलाई इसी में कि अंगूठा लगा दे। नहीं नहीं लगाएगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। यमुना, यमुना, मुझे कोई मार रहा है। माँ, मार रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। माँ, मुझे कोई मार रहा है। माँ, मुझे बहुत जोर, मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई रो रो के मुझे बुला रहा है। माँ, कोई रो रो के बुला रहा है। बोलो माँ, बोलो, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? वही अत्याचार, वही रोना धोना। मेरा सर फटा जा रहा है माँ, मेरा सर फटा जा रहा है। माँ बोलो, बोलो माँ, चुप मत रहो माँ, बोलो बोलो माँ। तेरी जुड़वा बहन पे जुल्म हो रहा होगा। मेरी बहन? तेरी जुड़वा बहन? क्या कह रही हो तुम? जो जुड़वा होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अगर एक को मारते हैं तो दूसरे को तकलीफ होती है। आज तेरी बहन को कोई मार रहा होगा, इसलिए तुझे तकलीफ हो रही है, तुझे भी दर्द हो रहा है। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मुझे मुझे समझाओ माँ, मुझे समझाओ। सच्चाई ये है कि तू 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 मेरी सगी बेटी नहीं है। नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं एक राक्षस हूँ, एक डायन हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है। इसके लिए, औलाद के सुख के लिए तुझे तुझे मैंने चुरा लिया। नहीं माँ, नहीं। तुम ऐसा मत कहो माँ, तुम ऐसा मत कहो। तुम मेरी माँ हो, मैं तेरी बेटी हूँ माँ। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी बेटी, तू मेरी घर की बेटी है। तेरे पिता के पास संपत्ति, मिल, फैक्ट्री, बहुत कुछ है। एक हवेली के मालिक शिव प्रसाद तेरे पिता है। शिव प्रसाद, अमीर आदमी? इसका मतलब जिस घर में मैं इतने दिन रही, जो लोग मुझे गंगा समझते रहे, वो मेरी बहन है। माँ, मैंने वो घर देखा है माँ। हाँ? मैंने अपने पिताजी को भी देखा है। क्या बोल रही हो? हाँ माँ, उस दिन घर से निकलने के बाद उसी घर में गई थी। और तेरी बहन यहाँ आ गई थी? कौन? गंगा? अब मैं समझ गई। मुझे लगा था तो वो तो ही है। सिर्फ अजीब लगा तेरा व्यवहार देख के। तू तो एक चुलबुली है,
लेकिन वो एकदम विपरीत, साधारण सीधी शांत धीर गंभीर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तू अंगूठा लगाएगी कि नहीं, बोल जल्दी। कहाँ पे? यहाँ पर। गुरु, उनके हाथ में रिवॉल्वर है। तो हमें भी कुछ प्लान करना पड़ेगा। जैसे इस देश में होता है वैसा कुछ मत करो। लंदन में होता है वैसा। That's like it. Good girl. ये लड़की नकली है, इसके अंगूठे से काम नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, ये गंगा नहीं यमुना है, टैक्सी ड्राइवर की यमुना है। टैक्सी ड्राइवर राजू की यमुना? हाँ अंकल, ये ओरिजिनल रिंग मास्टर, इसके प्लान से यमुना यहाँ आई थी। जाता का यार, तेजी। सही सही बोल, अंकल के हाथ में रिवॉल्वर है, गोली से उड़ा देगा कुत्ते जैसे। सही सही बोल। पता है अंकल, बेचारी गंगा को इसी ने किडनैप करके रखा है। फालतू बात मत करो। फालतू बातें इधर चलती है, लंदन में नहीं। बोल जो पूछ रहे अंकल, बोल तेरा प्लान क्या, बोल बोल। मैं नाटक क्यों कर रही है? नाटक करेगी तू और मार खाऊंगा मैं। अब जल्दी बोल, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? बोल गंगा, तेरे से इसका क्या रिश्ता है? नहीं अंकल, ये वो नहीं, ये है। इसके साथ मेरा पुराना रिश्ता है। तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? देख, मेरा दिमाग सही है लेकिन तेरी बकवास नहीं सुनूंगा मैं। तू वहाँ कहाँ जा रही है, यहाँ खड़ी रह। क्या बोल रहा है? इसने जब मुझे जमुना के साथ देखा ना, मुझे बुला और बोली, मिस्टर जमुना के मेरे घर पहुंचा दो, ये जमुना रंजित को बराबर टाइट करेगी। उसके बाद मौका देखकर मैं उसको, मतलब आपको, उसके बाद सारी जायदाद तेरी और मेरी 50-50। हाँ? हाँ? नहीं, झूठ है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रुक, मैं तेरे बारे में बात सोचता हूँ। पहले फैसला तो हो जाए कि गंगा कौन है और जमुना कौन। बोल, तू गंगा है कि जमुना? बोल। नहीं, बोल। मैं गंगा हूँ। मुझे फट मारिए, मैं गंगा हूँ। उठ, उठ। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम गंगा है। मुझे छोड़ दीजिए। ड्रामा कर रही है ना तू? सच बोल तो गंगा की जमुना। गंगा बोल। विक्की, तू रुक जा विक्की, रुक जा। ये गंगा है या जमुना, हमें क्या लेना देना? ये अगर सबके सामने अंगूठा लगा देती है तो समझ लो कि हमारा सारा काम हो गया। बोल, अंगूठा लगाएगी कि नहीं? बोल। एक से नहीं, दोनों से अंगूठा लेना पड़ेगा जानी। दो अंगूठे। ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? अगर निकल आई तो नकली आंखें लगवानी पड़ेगी। यही तो वो दूसरी जमुना है, ये गंगा वो जमुना। जुड़वा? यमुना, मेरी जुड़वा बहन। हाँ गंगा, एक आत्मा पर दो नाम, गंगा यमुना। घबरा मत बहन, अब देख कैसा मजा चकाती हूँ।
वाह बसंती वाह, तूने तो कमाल कर दिया। इसको कहते चमत्कार। नीचे गंगा जमुना और ऊपर उसका पिता श्री। ए, इन सबको बांधो। छोड़ दो। रंजीत छोड़ दे मेरे पिताजी को। छोड़ दो छोड़ दो है? अरे तू मुझे मजा चखाने आई थी ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। छोड़ दो, ठीक छोड़ दे। अरे बसंती इसके बाप को छोड़ दे। मेरे पिताजी को बचा लीजिए, मेरे पिताजी मर जाएंगे, उनको बचा लीजिए। अरे तू अपने बाप की बहादुर बेटी है ना, जा उसको बचा ले, जा जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। गंगा तू भी मार उसे, मार गंगा मार उसे, इन लोगों ने तुझे बहुत सताया है। मार गंगा तू भी मार उसे, मार गंगा मार, मार गंगा मार। जाइए पिताजी, पिताजी आज छोड़ो मुझे। पिताजी जाओ, ऐसे नहीं होता है। सारा सुजुंदर छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं सच कह रही हूँ राजा बाबू, संतान के लालच में मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से यमुना मेरी नहीं आपकी ही बेटी है।
अरे समझी साहब, ये क्या है? अब ये क्लाइमेक्स खत्म हो गया है, अभी लड़की और दामाद को हनीमून जाने दीजिए। हाँ, लेकिन गंगा यमुना आखिर है कहाँ? अरे नो प्रॉब्लम, मैं सब मैनेज कर। ये तुम्हारा कौन सा है? मुझे लगता है लेफ्ट वाली है। कैसे पता? दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, कैसे पता? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो। अरे हाँ, मेरी तो वही है। लंदन में ऐसे नहीं होता है। लेकिन इंडिया में तो ऐसे ही होता है। बढ़ते आगे चलो। तुम तो यमुना हो, मेड इन इंडिया। पिताजी आप ही बताइए ना, गंगा कौन हो, यमुना कौन? पिताजी आप ही बोलिए ना, कौन है गंगा और कौन यमुना? तो बताइए ना, कौन है गंगा यमुना, बताइए ना, बोलिए ना। ये गंगा वो यमुना। अरे यही बात तो मैं पूछ रहा था।